told me every secret. Said that I care, asked, do you mean it? हेलो एवरीवन, मैं हूं नाज एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आई हूं ऐसी जगह पर जिसके जायका दिल्ली की शान बन चुका है, जिनका नाम है मोहम्मद हाजी हुसैन और शौक है उनके वही नवाबी पान खाना, और काम है लोगों को बेहतरीन तरीन और लजीज चिकन फ्राई खिलाना। उम्र है उनकी लगभग 76 से 80 साल, और पता है उनका पुरानी दिल्ली जमा मस्जिद दिल्ली 6। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मुकाम पर है। दिल्ली में रहने वाले लोगों का जब चिकन फ्राई खाने का मन होता है तो उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ हाजी हुसैन सहाबी आते हैं। तो गाइस ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुनिए, ओए होए होए, देखने में कितना ज़्यादा लजीज लग रहा है। ऊपर से इसका जो चटपटा मसाला डला है बस। तो गाइस ये देखिए, ये पीस को तोड़ तोड़ कर इसको दोबारा फ्राई कर रहे हैं ताकि इसका टेस्ट दोगुना हो जाए, क्योंकि ये हाफ फ्राई करके पहले से रखते हैं और जब कस्टमर की डिमांड होती है तो उसको फुल फ्राई करते हैं। हम जो इस टाइम पर यहाँ पर शूट करने के लिए आए हैं, ये दोपहर के 12:30 या 1 बजे का टाइम है, क्योंकि हम लोग 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर ज़्यादा रश होने की वजह से हम यहाँ पर शूट नहीं कर पाते। तो फाइनली आज हमें मौका मिल गया, यहाँ पर काफ़ी कम रश है और हमें शूट करने का यहाँ पर फाइनली आज मौका मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, यहाँ के जो सीक्रेट मसाले हैं वो तो कोई जान ही नहीं सकता, लेकिन एक सीक्रेट ये है हाजी जी का कि हमेशा वो बड़े पीस ही फ्राई कराते हैं। एक चिकन में से 4 पीस होते हैं वो फ्राई होते हैं। उसके बाद जब वो चिकन बिल्कुल ठंडा हो जाता है और जब कस्टमर आता है, कस्टमर की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से ये दोबारा फ्राई करते हैं, जिससे कि चिकन काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी जूसी भी रहता है और टेस्ट भी इसका बहुत आला होता है। तो गाइस, अभी हमने मंगाया ये हाफ चिकन, क्योंकि जब लोग दूर दूर से आते हैं इनका चिकन खाने के लिए, तो गाइस फिर हम भी ये देखना चाहते हैं कि इनके हाथों में ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या जायका जो लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। तो गाइस, ये मेरे सामने आ चुका है हाजी हुसैन साहब का चिकन फ्राई, तो इसको भी चेक करके देखते हैं। वैसे इनके हाथों में जो जादू है इनका टेस्ट मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊँगी कि क्या मसाले डालते हैं, इनके मसाले तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि क्या मसाले डालते हैं। इसका जायका मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले इसे मैं बगैर चटनी के खाकर देखती हूँ। मैं तो बहुत अजना सी इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई इनके सीक्रेट मसालों का पता लगा सकता है कि क्या है। इसमें जो जायका है, इसकी जो ऊपर की लहर है वो काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी जूसी है। और अभी मैं इसके साथ जो ये चीज़ें मिलती हैं, नींबू,
और सुनने में है कि इनकी चटनी में भी बहुत जायका होता है। देखिए वैसे तो ये अपने आप में मुकम्मल चिकन फ्राई है, इसको किसी चटनी की ये किसी चटनी का किसी नींबू का मोहताज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको चटनी के साथ खाते हैं तो मज़ा थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो फिलहाल मैं खाती हूँ, इसको ठंडा करना बेकार है, ठंडा करके इसका टेस्ट काफ़ी कम हो जाएगा, इसलिए पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, बाकी बातें करते हैं उसके बाद। तो गाइस देखिए ये अपने आप में पूरे मुकम्मल फ्राई है, इसको किसी चटनी की कोई मोहताजगी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप चटनी खा सकते हैं, क्योंकि चटनी भी इनकी बहुत ही आला है। बाकी अगर थोड़ा कम तीखा खाना आप पसंद करते हैं तो आप डायरेक्ट चिकन फ्राई ही खाएं। तो गाइस खाना खा लिया, बहुत मज़ा आया खाकर, बहुत टेस्टी है इनका चिकन फ्राई। चिकन फ्राई का छोड़िए, चिकन फ्राई तो इनका है ही वर्ल्ड का नंबर वन फ्राई। आप और मैं इनकी चटनी खाकर भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस चटनी के सीक्रेट मसाले क्या हैं। तो ये है इनकी एक कामयाबी का राज, इनकी कॉपी कोई कर ही नहीं सकता, इनके जो सीक्रेट मसाले हैं वो कोई जान ही नहीं सकता। मैंने बहुत जगह चिकन फ्राई खाया है, उसमें अजवाइन की खुशबू होती है, अदरक लहसुन की खुशबू होती है, इसमें किसी चीज़ की खुशबू मिली ही नहीं होगी। और जायका जायका तो उनका आसमान छू रहा है। तो गाइस अभी टाइम है दोपहर का, अभी 3 बजे का टाइम है और इनके यहाँ रश देखिए ज़रा कितना ज़्यादा है। और ये इनके बहुत ही लाइटली मसाले हैं, चिकन को देखकर ऐसा पता भी नहीं चलता कि इसमें बहुत हैवी मसाले होंगे, बहुत रीजनेबल से मसाले हैं इनके। और इधर इनका ये बेसन है जो कि बहुत ही कम है। तो गाइस अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो और यहाँ का चिकन खाना चाहते हो तो आपके लिए एक राय है मेरी, एक मैसेज है मेरा कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं की जाती है, यहाँ पर पेटीएम गूगल पे फोन पे कुछ भी नहीं किया जाता है, यहाँ पर कैश दिया जाता है। तो खैर यहाँ का चिकन खाकर बहुत मज़ा आया मुझे और मैंने पहली बार ऐसा चिकन फ्राई खाया है। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली मेम्बर दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे खाने खाते रहिए। सामने बैठे हैं इस दुकान की इस सबकी रौनक हाजी जी, जो कि अभी अपनी सीट पे बैठने के लिए बस तैयार ही हैं। ये अभी 3 बजे से 3:30 बजे से इस पर बैठेंगे और रात को 12 बजे तक कंटिन्यू काम करते रहेंगे। ऐसे ही हाजी जी, ऐसे ही है। थैंक यू।